नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के भिवंडी में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर हम सबके कदम बढ़े विषय पर सम्मेलन। पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल हुए शामिल। गुजरात के राजकोट और भरूच में चला सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैली अभियान। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी अभियान का आगाज। ओडिशा के रायरंगपुर में मातृशक्ति भवन के भूमि पूजन समारोह में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। अपने भारत देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ब्रह्म कुमारी संस्थान ने दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण इस विषय को लेकर सेवाएं करना सुनिश्चित किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी सेवा केंद्र ने अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर हम सबके कदम बढ़े इस विषय को लेकर साथ साथ सारे विश्व को बेहतर बनाने का सफल प्रयास करें इस विशाल संकल्पना का लॉन्चिंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के अमूल्य योगदान देने वाले गणमान्य हस्तियों का सम्मान समारोह किया गया। समारोह में भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, निजामपुर शहर की महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, आयुक्त सुधाकर देशमुख, कल्याण सबजोन प्रभारी बीके अलका समेत कई बीके बहनों की उपस्थिति रही। इस मौके पर राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने देश को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी के योगदान देने की बात कही, तो वहीं बीके अलका ने उपस्थित हर किसी से भारत को स्वर्णिम बनाने का संकल्प कराया। कार्यक्रम में नगर सेवक, सोशल वर्कर्स, आर्मी सोल्जर्स जो समाज में अपनी निरंतर और निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, उनको बीके अलका ने प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकोट शहर में यातायात पुलिस और ब्रह्म कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे गुजरात सरकार में यातायात परिवहन मंत्री अरविंद भाई रयानी ने उप महापौर, एसपी और कलेक्टर समेत कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दी। राजकोट रेस कोर्स रिंग रोड से अभियान को मिली हरी झंडी के बाद 75 बाइक राइडर्स के इस काफिले ने शहर के प्रमुख मार्गों और स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। बाइक राइडर्स के ग्रुप के साथ राजकोट की वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल, बीके दक्षा, बीके ज्योत्सना, बीके रेखा भी मौजूद रही। रैली के शुभारंभ से पहले बाइक राइडर्स के ग्रुप ने गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। राजकोट की ही तरह गुजरात के भरूच में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली और आत्मनिर्भर किसान अभियान का आगाज हुआ। झाड़ेश्वर के अनुभूति धाम सेवा केंद्र पर आयोजित इस लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर अनुभूति धाम की 30वीं सालगिरह भी मनाई गई। खुशी के इस मौके पर भरूच बीजेपी के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परमार, मामलतदार नवीन पटेल, कृषि विभाग की बगायत अधिकारी भाविशा बेन, भरूच सबजोन प्रभारी बीके प्रतिभा समेत शहर के कई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों ने दोनों ही अभियानों को समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और इसकी पहल करने के लिए संस्थान की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के पश्चात सेवा केंद्र से रैली को शहर में जागरूकता फैलाने के लिए हरी झंडी दी गई। ऐसे ही ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी जिला न्यायाधीश, ओडिशा लोकायुक्त सदस्य देवव्रत स्वैन, संस्थान के मुख्यालय से आए धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके रामनाथ, राउल केला सबजोन प्रभारी बीके विमला समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। ओडिशा के रायरंगपुर सेवा केंद्र द्वारा मातृशक्ति भवन के भूमि पूजन समारोह पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन की नींव झारखंड के पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके रामनाथ, सबजोन प्रभारी बीके विमला, विधायक नवचरण मांझी, एनसीपीसीएल के एडिशनल जनरल मैनेजर बीके अरुण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रिया समेत कई पदाधिकारियों ने रखी।
इस मौके पर शाम को विजडम फॉर हैप्पी लिविंग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौजूदा अतिथियों ने नए भूमि पूजन की सभी को शुभकामनाएं दी। यहाँ के एक बहुत अच्छा वाक्य है, सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले तो आप अपने आप को परिवर्तन करो, इसके बाद फिर दूसरे आपको देख के, आप जो करते हैं आपको देख दूसरे करेंगे। सारे विश्व के अंदर ये ऐसा एक विद्यालय है जो स्वयं ईश्वर चलाता है। वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली के फिलोसफी को लेकर मोर देन 9000 सेंटर्स के माध्यम में सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर, संस्थान से जुड़े कई बी के सदस्य शामिल हुए। अब कुछ खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय योग शिविर, जिसमें अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता रहे उपस्थित। बीके गीता ने भारत को फिर से स्वर्णिम बनाने के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बताया सबसे उत्तम उपाय। मध्य प्रदेश के हरपालपुर सेवा केंद्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने देश की संस्कृति और सभ्यता पर डाला विशेष प्रकाश, बच्चों ने दी अपनी सुंदर प्रस्तुतियां। पश्चिम बंगाल तामलुक में नए भवन का उद्घाटन, मुंबई मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, तामलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, बीके सोवा समेत कई बीके बहनों ने रिबन काट कर किया भवन का शुभारंभ। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, सेंटर द्वारा बीके बहनों का सम्मान समारोह का भी आयोजन। ओडिशा में सुंदरगढ़ के अमासरंगा गीता पाठशाला के नए भवन के उद्घाटन पर कार्यक्रम, धार्मिक प्रभाग के राष्ट्र संयोजक बीके रामनाथ, जिला परिषद की प्रेसिडेंट कुंती प्रधान, विधायिका कुसुम टेटे, राउरकेला सब जोन की निदेशिका बीके विमला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना समेत कई पदाधिकारी उपस्थित। मैं सुंदरगढ़ के डार्लीपली एनटीपीसी ऑफिस में विजडम फॉर हैप्पी लिविंग पर प्रोग्राम, सीजीएम अभय साम्यक, बीके रामनाथ, बीके ज्योत्सना मुख्य रूप से उपस्थित। सुंदरगढ़ में भूमि पूजन उत्सव एवं अमृत महोत्सव प्रोग्राम का आयोजन, बीके रामनाथ, कुंती प्रधान, विधायिका कुसुम टेटे, बीके विमला, बीके ज्योत्सना भी पूजन उत्सव पर रही शामिल। ऐसे ही राउरकेला के बसंती कॉलोनी में हाउ टू ओवरकम एंगर पर प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर कल्याणी मिश्रा, डॉक्टर जेके राव समेत कई डॉक्टर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे उपस्थित। महाराष्ट्र ठाणे वेस्ट के श्रीनगर सेवा केंद्र पर मेडिटेशन एज मेडिसिन पर सेशन, मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता, बीके मनीषा मुख्य रूप से रही उपस्थित। बीके स्वामीनाथन ने सेशन में आए टीचर्स को बच्चों को हैंडल करने की दी अनोखे टिप्स। पंजाब के फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रूही दुख से मिली बीके बहने, कोट कपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके दीपाली ने सौगात देकर संस्थान की सेवाओं की दी जानकारी। मई कोट कपूरा सेवा केंद्र पर ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए बीके बहनों की हुई मीटिंग, पंजाब जोन की प्रभारी बीके प्रेम, सेंटर प्रभारी बीके संगीता समेत कई बड़ी बहनें रही मौजूद। गुजरात के ओरपाट सेवा केंद्र द्वारा गांव-गांव में चलाया गया आत्मनिर्भर किसान अभियान, जगह जगह आयोजित कार्यक्रम से पूर्व शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। बीके सदस्यों ने करीब 10 दिनों तक लगातार ओरपाट तालुका तथा उसके आसपास के गांवों में घर घर जाकर किसान भाई बहनों को योगी खेती से होने वाले लाभों की दी जानकारी। गाँव वासियों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जहाँ सभी ने कभी भी व्यसन न करने की ली प्रतिज्ञा। सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके धर्मिष्ठा, बीके सावित्री ने किया प्रेरित। कोलकाता म्यूजियम में सक्सेस विदाउट स्ट्रेस विषय पर वर्कशॉप, माउंट आबू से आए बीके शांतनु ने सफलता का दिया मूल मंत्र, 18 से 35 वर्ष के युवाओं ने लिया भाग, प्रभारी बीके कानन ने कहा दृढ़ता ही हमारी सफलता की कुंजी है। शिमला सेवा केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना योद्धा को किया गया सम्मानित, चीन की कोऑर्डिनेटर बीके सपना ने तनाव मुक्त एवं आध्यात्मिक जीवन शैली बनाने का कराया संकल्प, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने राज्य मेडिटेशन का अभ्यास कराते हुए भविष्य में सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। अमृत महोत्सव के तहत रीवा सेवा केंद्र एवं समाज सेवा प्रभाग द्वारा गोविंदगढ़ के अमली की गाँव में समाज सेवियों के लिए कार्यक्रम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने
शिव ध्वज लहराते हुए सभी को दिया शिव संदेश। वही रीवा के देवतालाब सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई विश्व निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता ने मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल को दिया परमात्मा का सत्य परिचय। तेलंगाना के संगारेड्डी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप। खेल खेल में सीखे बच्चों ने मोरल वैल्यूज। फेस्ट में म्यूजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन क्विज, ड्राइंग, रंगोली, डांस का भी आयोजन। कैंप के शुभारंभ पर सीनियर एडवोकेट भारती डॉक्टर गायत्री बीके उषा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमंगला रही उपस्थित। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।